हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल एक्साम्पल फोर क्या कह रहा है सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस ठीक है एक है time, uh, है एक जो हमने टू टाइम थ्रो किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल ऑफ तो ये बहुत इजी है सबसे पहले आपको मैं टोटल सैंपल स्पेस बताओ यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस जो रहेगा सिक्स की पावर टू यानी कि थर्टी सिक्स ये आपको पता है पहले से है ना वन 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 टू और ऐसे वन सिक्स फिर टू वन टू टू और फिर ये सिक्स ठीक है फिर थ्री वन से लेके थ्री सिक्स फिर फोर वन से लेके फोर सिक्स ये फाइव वन से लेके फाइव सिक्स और सिक्स वन से लेके सिक्स सिक्स क्लियर है यहां तक सभी को ठीक है ये वाली कंडीशन रहती है टोटल सैंपल अब कैश देखते हैं इसके फर्स्ट केस देखो अ टोटल ऑफ नाइन टोटल नाइन आना चाहिए वो वाली कंडीशन बतानी अब देखो टोटल के लिए सबसे पहले मैं वो इवेंट्स लिख देता हूँ ना इसको अपन ए मान लेते हैं इसके इस वाले केस को अपन ए डिनोट कर लेते हैं अब टोटल नाइन किस किस कंडीशन में आएगा देखो के साथ अगर आएगा तो नहीं बनेगा क्योंकि वो वन सिक्स सेवन होता है टू के साथ नहीं बनेगा थ्री के, के, बन के, बन के साथ फोर नाइन बन रहा है के साथ बन रहा है और सिक्स के साथ थ्री बन रहा है तो यानी ये टोटल फोर केस हो सकते हैं ऐसे कितने केस हो सकते हैं फोर केस हो सकते हैं और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करूं तो फोर अपॉन थर्टी सिक्स कट करेंगे वन अपॉन नाइन आ गया बताओ समझ में आया क्या सेकेंड केस देखो टू एसेस अब एसेस आप समझते हो क्या होता है इक्का तो ऐसी कंडीशन मैं इसको बी वाला केस मान लेता हूं ना ऐसी कंडीशन कौन सी है अपने पास वन वन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी आपके पास वन अपॉन थर्टी सिक्स यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल आ गया नेक्स्ट देखो थर्ड केस थर्ड केस एटलीस्ट वन एस कम से कम एक एस होना चाहिए आपके पास है ना कम से कम एक एस ज्यादा ज्यादा लेता हूँ वन फोर भी चलेगा one, भी चलेगा वन सिक्स भी, 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 भी चलेगा अब टू वन चल जाएगा क्योंकि इसमें एक एस है ठीक है फिर थ्री वन भी चल जाएगा हाँ फिर फोर वन भी चल जाएगा फिर फाइव वन भी चल जाएगा और सिक्स

अगर आप इसको क्या मान लो इवेंट मान लो है ना एक में फाइव एक में सिक्स तो और एक में फाइव एक ही बात है प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई क्लियर है यहाँ पर सिक्स केस देखो सिक्स हाँ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाय मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाय समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मतलब इसको एफ केस ले लो आप मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाय मल्टीपल ऑफ थ्री अब देखो वन वन मैं स्टार्टिंग से काउंटिंग बोल रहा हूँ आपके सामने वन 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 टू वन थ्री एक भी नहीं होगा इसमें क्योंकि एक डाय के ना बना टू वाले पे कंडीशन में चल सकते, सकते हैं क्योंकि ये एक मल्टीपल हो गया टू का और इसको अपन थ्री का मल्टीपल मान सकते वैसे टू का भी हो जाएगा बट मैं थ्री का मान रहा हूँ इसको ठीक है टू सिक्स हो गया टू फोर होगा ना टू फाइव होगा नी अब देखो थ्री वन थ्री टू हो जाएगा फोर हो जाएगा थ्री सिक्स हो जाएगा फिर फोर वन नहीं होगा फोर टू नहीं होगा फोर थ्री हो जाएगा फोर फोर नहीं होगा फोर सिक्स हो जाएगा ठीक है फिर फाइव वन नहीं होगा फाइव टू नहीं होगा फिर तो एक फाइव वाला तो होगा ही नहीं फिर सिक्स पे आ जाओ आप सिक्स टू हो जाएगा आपके पास और सिक्स थ्री भी हो जाएगा आपके पास सिक्स फोर भी हो जाएगा आपके पास और सिक्स सिक्स भी हो जाएगा आपके पास अब देखो इलेवन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस इज इलेवन अपॉन थर्टी सिक्स समझ में तो आ रहा है ना सभी को नेक्स्ट देखो सिक्स केस हो गया अब सेवंथ वाला केस देखो सेवेंथ केस सम ऑफ नाइन और इलेवन भी और 11, भी हो सकता है और इलेवन भी हो सकता है सम की वाली कंडीशन में तो इसको मैं एफ जी ना अब वन वन से शुरू करते हैं फिर नहीं होगा थ्री सिक्स पर हो जाएगा फिर फोर फाइव पर हो जाएगा फोर फाइव हो, हो गया ना? थ्री सिक्स लास्ट केस हुआ फिर फोर वन से लेके फोर फाइव पर आए फिर फोर फाइव नाइन हो गया फोर सिक्स नहीं होगा फिर फाइव से आ जाओ आप फाइव फोर हो जाएगा हो, five, six हो जाएगा फिर सिक्स फिर सिक्स हो जाएगा सही है ठीक है कितने केस हो गए काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्रॉबेबिलिटी ऑफ जी हो गई आपके पास फिर सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स कट करेंगे तो वन बाय सिक्स हो गया ये ठीक है चलो सेवेंथ एट्थ का ये रहा सम एज अ प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर कौन से हैं जिनका सम अप, आ, हमने यहाँ पर निकाल हैं देखो प्राइम नंबर सम आना चाहिए तो वो टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर नहीं होगा फाइव हो सकता है सिक्स नहीं होगा सेवन हो सकता है एट नहीं होगा नाइन नहीं होगा इलेवन हो सकता है ठीक है अब ये वाले सम वाली कंडीशन कितनी होंगी वो लिखनी है आपको इसको मैं एच इवेंट्स ले रहा हूं देखो वन वन हो जाएगा फोर टू वन टू हो जाएगा फोर थ्री फिर वन थ्री नहीं होगा वन फॉर हो जाएगा फॉर फाइव वन सिक्स हो जाएगा फॉर सेवन ठीक है टू पर आ जाओ टू वन हो जाएगा अगेन फॉर थ्री टू थ्री हो जाएगा फॉर फाइव टू फाइव हो जाएगा फॉर सेवन टू सिक्स नहीं होगा ठीक है थ्री पर आ जाओ थ्री टू हो जाएगा ठीक है थ्री फोर हो जाएगा ठीक है और थ्री के साथ इलेवन के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा थ्री और सिक्स लास्ट नाइन होता है ना तो अब आ जाओ फोर पर फोर uh, वन हो जाएगा ठीक है फोर थ्री हो जाएगा ओके फिर फोर के बाद लास्ट सिक्स होता है फिर टेन पर नहीं जा रहा है फाइव पर आ जाओ फाइव टू हो जाएगा ठीक है फाइव वन तो होगा नहीं फाइव टू हो जाएगा फिर आपके पास फाइव के बाद फाइव सिक्स भी हो जाएगा इलेवन के लिए है ना सिक्स पर आ जाओ सिक्स वन हो जाएगा और सिक्स फाइव हो जाएगा बताओ समझ में आया क्या कितने तो हो हो गए? तो गया आपके पास ये 15 36. 5 की देब, से कट कर यानी बताओ समझ में आया क्या क्लियर है यहाँ पे ये हो गया आपका एट केस आते हैं नाइन्थ केस पर ये हो गया है आपका एक सेकंड हा द सम इज एटलीस्ट टेन क्या बोला है कम से कम उसका सम टेन होना चाहिए ज्यादा ज्यादा कितना भी चलेगा तो यहाँ पर इसके इसको इवेंट्स को मैं आई ले लेता हूँ आई मान लेते हैं अपन इसको और सम इज एटलीस्ट कम से कम आपके पास इनका सम एटलीस्ट टेन होना चाहिए ज्यादा ज्यादा कितना भी चलेगा तो देखो इसके लिए वन वाली कंडीशन पर जाएंगे नहीं होगा टू सिक्स पर जाएंगे नहीं होगा थ्री सिक्स पर जाएंगे नहीं होगा फोर और सिक्स पर जाएंगे तो कम से कम टेन आ जाएगा समझ में आ रहा है एटलीस्ट टेन बोला तो कम से कम टेन बोला ज्यादा ज्यादा उनका सम इलेवन भी, भी हो सकता है ट्वेल्व भी हो सकता है ना ठीक है तो ये टोटल केस कितने हो गए आपके पास सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो गई आपके पास सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स यानी वन बाई अब देखो लास्ट केस टेंथ टोटल ऑफ ऑलमोस्ट एटमोस्ट होगा एटमोस्ट एटमोस्ट टोटल ऑफ ज्यादा से ज्यादा नौ होना चाहिए कम से कम कितना भी चलेगा अब देखो कम से कम वाले में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समझ रहे हो एटमोस्ट का मतलब द टोटल ऑफ एटमोस्ट नाइन यानी कि ज्यादा ज्यादा नाइन और कम से कम कितने भी चलेंगे यानी जिनका सम टू है वो भी लोगे आप नंबर जिनका सम थ्री है वो भी लोगे जिनका सम फोर है वो भी लोगे जिनका सम फाइव है वो भी लोगे सिक्स है वो भी लोगे ऐसी वाली कंडीशन ले ली तो इसके लिए अपन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो इसलिए अपने काम करते हैं इसका रिवर्स निकाल लेते हैं इसका रिवर्स निकाल लेते हैं कैसे सम मोर देन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व यानी कि जिनका सम दस आ रहा है ग्यारह आ रहा है या फिर बारह आ रहा है टेन इलेवन ट्वेल्व जिनका सम आ रहा है वो वाली कंडीशन निकाल लेते हैं फिर वन में से माइनस कर देंगे अपन आसान हो जाएगा अब तो देखो टेन वाला सम की कंडीशन कौन कौन सी आपके सामने आई ये वाली ये देखो टेन इलेवन ट्वेल्व की कंडीशन कौन सी आपके सामने लिखी हुई देखो टेन के लिए ये रहा ये रहा इलेवन के लिए देखो ये रहा फिर टेन के लिए ये रहा फिर इसके लिए ये रहा फिर इसके लिए ये रहा यानी कि टेन इलेवन ट्वेल्व जिनका सम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे पता करनी हो सम मोर देन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वन बाय सिक्स होती ही नहीं होती है बिल्कुल होती है तो मुझे किसकी मुझे लेकिन इसकी नहीं निकालनी है, मुझे इससे कम वाली कंडीशन निकालनी है ना मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ ना प्रोबेबिलिटी निकाली है मैंने टेंथ के लिए सम मोर देन टेन इलेवन और ट्वेल्व ये वाली कंडीशन हमने फाइंड करी है जो कि है आपके पास वन बाय सिक्स पीछे वाले क्वेश्चन से, इससे देख के लिखी है ना by 6, लेकिन मुझे ये नहीं निकालनी मुझे निकालनी थी टोटल ऑफ एट मोस्ट नाइन यानी कि नाइन और नाइन से नीचे वाले यार भाई पेन इलेवन ये है तो इससे नीचे वाले की कंडीशन क्या होगी वन माइनस वन बाय सिक्स सिंपल यानी फाइव बाय सिक्स आ गया अब बताओ क्या समझ में नहीं आया क्लियर है यहाँ पे सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर फोर नेक्स्ट मिलेंगे फिफ्थ पर